हेलो दोस्तों, मैं राजकुमार यादव आपके लिए फिर से हाजिर हुआ हूँ। तो सबसे पहले गुड इवनिंग सभी को। मैं आज आपके लिए एलजेब्रा की कुछ ट्रिक लेके आया हूँ, तो देखिएगा किस प्रकार है। तो इसमें जैसे कि एक्स प्लस वन अपॉन एक्स बराबर 11 है, तो एक्स स्क्वायर प्लस वन अपॉन एक्स स्क्वायर बराबर क्या है। सबसे पहले आपको एक बात समझ लेनी है, तो एक्स प्लस वन अपॉन एक्स बराबर ए, तो एक्स स्क्वायर प्लस वन अपॉन एक्स स्क्वायर बराबर ए स्क्वायर माइनस का 2 हो जाएगा। तो यहाँ पे क्या है, तो आपका एक्स स्क्वायर प्लस वन अपॉन एक्स स्क्वायर पूछा है, तो यहाँ पर मुझे क्या करना है, ए स्क्वायर माइनस का 2, यानी ए क्या माना इसे 11 को, ठीक है। तो 11 का स्क्वायर माइनस का 2, तो आप कितना हो गया, 121 माइनस का 2 यानी 119। अब अगला सवाल देखते हैं। ऐसे इसमें भी दिया है, तो वही हम मान लेते हैं, जैसे कि एक्स प्लस वन अपॉन एक्स बराबर ए दिया है, तो एक्स स्क्वायर प्लस वन अपॉन एक्स स्क्वायर बराबर मेरे फॉर्मूले के हिसाब से क्या बनेगा, ए स्क्वायर माइनस का 2, ए स्क्वायर माइनस का 2 बनेगा। तो यहाँ पर ए की जगह अब क्या मान लेते हैं हम, 8। इस तो सीधा यहाँ पर 8 ही लिख लो, तो 8 का स्क्वायर माइनस का 2 यानी 64 माइनस का 2 यानी 62, ये आपका आंसर हो गया। धन्यवाद साथियों, ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करें, लाइक करें एंड सब्सक्राइब करें। धन्यवाद।